हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से और एक न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 9A का गेमिंग टेस्ट कर दिखाऊंगा। यहाँ पे हम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम प्ले करेंगे और जो प्रोसेसर है Realme 9A में आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर मिलता है। अच्छा है कि आपको लैग फ्री गेमिंग मिलेगी, स्मूथली आप इस फोन में खेल पाओगे या नहीं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस फ़ोन के डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। अगर आप स्मूथ पे खेलते हैं तो आपको हाई का फ्रेम रेट ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसे बैलेंस पे स्विच करोगे तो आपको सिर्फ मीडियम का मिलेगा। एंड आप इस फ़ोन में HD पे नहीं खेल सकते हो तो आप सिर्फ स्मूथ गेम प्ले के लिए स्मूथ प्लस हाई पर खेलिए। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको लाइव बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम प्ले इस फोन में कर दिखाया है। बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एज ए गेमिंग फ़ोन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप नॉर्मल गेम प्ले करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। स्लाइटली थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है और जो जायरोस्कोप है ये भी अच्छे से काम करता है। अगर आप लो सेंसी पे जायरोस्कोप यूज़ करते हो तो ये यूज़फुल होगा और जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो तो इस फोन में कर सकते हैं। और ये स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट है जो कि 6 NM पर बेस्ड है। अगर आप कोई भी गेम्स इस फोन में खेलते हो लॉन्ग टाइम के लिए, जो बैटरी है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी। सो, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय।